हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फर्स्ट एंड एल की यूनिट 2 के कुछ और आगे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एंड एल के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड होंगे स्किन एंड बर्न से, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर या फिर स्टमक। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्किन जो कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है, आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी बॉडी में स्किन ही स्किन है, तो ये एक पार्ट है जो कि काफी ज्यादा लार्जेस्ट है हमारी पूरी बॉडी में, और ये हमारी पूरी बॉडी में ही है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन इज, मेन फंक्शन पूछ रहा हमसे स्किन का, एक्सपेल स्वेट, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है मेन फंक्शन है हमारी स्किन के। इससे स्वेट भी निकलता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, राइट। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिजीज, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो स्किन डिजीज है? नाइट ब्लाइंडनेस, ट्यूबरक्लियोसिस, एक्जेमा या फिर सिलिकोसिस। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्जेमा। इससे जो हमारी स्किन है वो काफी ज्यादा रेड हो जाती है, काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, और जब ऐसी चीज होती है तो हमें उसको बार बार स्क्रैच करने का मन करता है, ठीक है। तो एक्जेमा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि एक स्किन डिजीज कहलाई जाती है, राइट। आगे, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय नॉट क्लीन द स्किन। स्किन अगर हम अपनी स्किन को साफ ना रखें, उसको क्लीन ना रखें, तो उससे हमें कौन सी डिसीज हो सकती है? रिंग वॉर्म एंड स्केबीज, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर अर्टिकेरिया। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिंग वॉर्म एंड स्केबीज। ये स्किन डिसीज है जो कि हो सकती है अगर हम अपनी स्किन का ख्याल ना रखें, उसको साफ ना रखें तब, ठीक है। रिंग वॉर्म में आपको सर्कुलर रैशेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और स्केबीज में रेड स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी स्किन पर, ठीक है। तो आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल साफ रखना है, बिल्कुल क्लीन उसको रखना है, ठीक है। आगे, व्हाट टू डू इन केस ऑफ स्किन बर्न। स्किन बर्न के केस में हमें क्या करना है? स्किन बर्न में बेसिकली इचिंग होती है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है हमारी स्किन जल रही है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है? द ब्लिस्टर शुड बी बर्स्ट, कीप पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन द बर्न कंटिन्यूअसली, बर्नोल और कोकोनट ऑयल शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न पार्ट या फिर अबव बी और सी। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, अबव बी और सी, यानी कि हमें उस पर ठंडा पानी डालना है, ठीक है, जहां भी हमें स्किन बर्न लग रहा है उस पर कंटिन्यूअसली हमें ठंडा पानी डालना है, और बर्नोल और कोकोनट ऑयल का हमें यूज करना है जहां भी हमें वो बर्निंग महसूस हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि जो छाले हमें हो रहे हैं उस स्किन बर्न की वजह से उसको हमें फोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हम लगाएंगे, बी और सी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, राइट। आगे, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड, जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है जो हमें दिख रही है उसको क्या बोला जाता है? फैट लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एपिडर्मिस उसको बोला जाता है, किसको? जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे बाहर की लेयर, ठीक। आगे है, एवरी हेयर ऑफ द बॉडी ग्रोज आउटवर्ड फ्रॉम द स्मॉल ट्यूब फाउंड इन द स्किन, इट इज कॉल्ड। जो हेयर हमारी स्किन पर ग्रो होते हैं वो स्मॉल ट्यूब से होते हुए बाहर आते हैं, तो उस स्मॉल ट्यूब को क्या बोला जाता है? फॉलिसिल, होल, स्वेट ग्लैंड या फिर स्ट्रॉ। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉलिसिल उसको बोला जाता है, जहां से हमारी स्किन पे वो हेयर की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फॉलिसिल। आगे आता है, स्किन परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट वन, जो स्किन हमारी है वो सारे फंक्शन करती है एक को छोड़कर। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है वो कौन सा एक फंक्शन है जो हमारी स्किन नहीं करती है, बाकी की जो तीन है वो करती है, ठीक है। फील्स टच, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर या फिर प्रोटेक्ट्स द बॉडी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम स्किन की हेल्प से टचेस को फील कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो हमारा है, हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, हाँ हमारी जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। ऑप्शन डी है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। जो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर है वो है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो हमारी स्किन का ये काम नहीं होता, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एब्जॉर्ब फूड के एब्जॉर्प्शन में हमारी स्किन का कोई भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता जो हमारी स्किन कर रही हो फूड के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो बाकी के जो तीन है, ए, सी और डी, वो इसके करेक्ट है, मतलब कि ये उसके फंक्शन है स्किन के, और जो हमारा ऑप्शन बी है वो इसका फंक्शन नहीं है, राइट। और यही हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स फॉर स्किन सेल्स ब्रिंग, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्किन सेल्स के लिए लाते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर स्वेट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है स्किन सेल्स को ब्लड वेसल्स की हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा, यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द सन, हम एक इस चीज का यूज करते हैं अपनी स्किन को बचाने के लिए सन से, क्या वो चीज है? सनस्क्रीन है, लिप बाम विद सनस्क्रीन है, बिग हैट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो हम सनस्क्रीन का भी यूज करते हैं, हम लिप बाम का भी यूज करते हैं जो सनस्क्रीन के साथ होता है, ठीक है, हम बिग हैट का भी यूज करते हैं, तो ये सभी चीजों का हम यूज करते हैं अपनी स्किन को
प्रोटेक्ट करने के लिए सनशील्ड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस वहां पर आपको मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन उसके लिए नहीं करी होती। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो, बिल्कुल दिमाग में इनको बैठा लो और आप देखना उनके आंसर्स आप इजीली दे पाओगे। राइट, तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो भी वीडियोस यहाँ पर लाई जा रही है, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, वो सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो सेम क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो सिमिलर या फिर सेम नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो मिल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस जो भी चीज आपको अच्छे से समझाई जा रही है उसको अच्छे से समझो और एग्जाम में भी आप उसको अच्छे से कर पाओ। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी चेंज इन द नेचुरल स्किन कलर इज अ साइन ऑफ डैमेज। कोई भी चेंज अगर हमारी स्किन कलर में आया है, ठीक है, कोई नेचुरल स्किन कलर जो हमारा है उसमें अगर कोई चेंज आया तो वो डैमेज का साइन है। क्या ये बात सही है, गलत है, हाफ ट्रू है या फिर कांट से एनीथिंग? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे नेचुरल स्किन कलर में किसी भी तरह से कोई चेंज हमें देखने को मिल रहा है तो वो डैमेज का साइन हो सकता है कि हमारी स्किन में डैमेज कुछ हो रहा है। ठीक है, आगे हमारा, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द स्किन व्हाइल गोइंग आउट इन द सन। सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर जाना, ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जो एक ही क्वेश्चन है वो आपसे 3-5 बार पूछा जा सकता है। थोड़ा हो सकता है वो क्वेश्चन को चेंज कर दे, हो सकता है वो ऑप्शंस को थोड़ा घुमा दें, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दें, लेकिन सेम चीज वही रहती है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, राइट, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा सा उसमें चेंज वो कर सकते हैं। ठीक, तो उससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और उनको पढ़ना है, उनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आप इजीली उनका सॉल्यूशन दे पाओगे। राइट, तो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, कवर द आर्म, वियर सनग्लासेस, पुट ऑन एसपीएफ 30 सनस्क्रीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि ये सभी चीजें आपको करनी है। अगर आप बाहर जा रहे हो बहुत ज्यादा दूर पे बाहर, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीजेज ऑफ द स्किन विच कॉज डैमेज टू द सर्फेस ओनली आर। वो कौन सी डिसीज है जो हमारी स्किन के सिर्फ सर्फेस को नुकसान पहुंचाती है, सिर्फ सर्फेस को डैमेज करती है? लाइट एलर्जी, व्हाइट स्पॉट, सोयाबीन, पंपकिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। फेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें हमारे स्किन के सर्फेस पर ही होती है, तो स्किन का सर्फेस इन सभी चीजों से डैमेज हो जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन आर देयर। जो हमारी स्किन है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? अभी हमने पीछे जाना कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका क्या नाम होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो वो एक आउटर लेयर हो गई, उसके अलावा और मतलब टोटल कितनी लेयर्स होती है? ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 5। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 लेयर्स होती है हमारी स्किन की। कौन कौन सी? सबसे ऊपर हमारी होती है एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद हमारी आती है उसके नीचे डर्मिस और उससे भी नीचे हमारी होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो 3 लेयर होती है हमारी स्किन की। अगला क्वेश्चन है, स्किन कलर इज कॉज्ड बाय। जो स्किन का कलर है वो होता है किस चीज की वजह से? रैंगक, मेलानिन, एपिडर्मिस या फिर ब्लड वेसल्स। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेलानिन। तो मेलानिन की वजह से ही स्किन को कलर मिलता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी स्किन का कलर है वो अफेक्ट भी होगा किस चीज से होगा, वो भी मेलानिन की वजह से होगा। अगर मेलानिन हमारा थोड़ा भी अबनॉर्मल होता है तो वो हमारी स्किन के कलर को डार्क भी कर सकता है। राइट, तो मेलानिन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी। ठीक, आगे हमारा क्वेश्चन, गिव्स कलर टू द स्किन। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, स्किन कलर इज कॉज्ड बाय, गिव्स कलर टू द स्किन। तो अब क्वेश्चन सेम रखा लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन है वो थोड़े से चेंज कर दिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम उसके पीछे का रीजन जानेंगे। ठीक है, अब जो ऑप्शन चेंज हुए हैं वहां पर हम क्या लगाएंगे, सेंसरी नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स, पिगमेंट सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पिगमेंट सेल्स, क्योंकि पिगमेंट सेल से ही मेलानिन बनता है और मेलानिन से स्किन को कलर मिलता है। ठीक है, समझे, पिगमेंट सेल से मेलानिन बना, मेलानिन ने कलर दिया स्किन को। राइट, तो सिंपल चीज थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ विच लेयर ऑफ द स्किन कॉजेस पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर्स। कौन सी लेयर की बर्निंग की वजह से स्किन में पेन होता है? ठीक है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है और ब्लिस्टर्स यानी कि छाले आते हैं। डर्मिस, एपिडर्मिस, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो डर्मिस और एपिडर्मिस ये दोनों ही लेयर अगर बर्न करेंगी तो हमारी स्किन पे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी अबव इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द स्किन। ये चीज इंपॉर्टेंट है स्किन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, इनर स्किन या फिर आउटर स्किन। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी स्किन के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, आगे आता है सिम्टम्स ऑफ सनबर्न आर। सनबर्न यानी कि धूप की वजह से आपकी स्किन बर्न हो रही है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ऑल पस, फील्ड ब्लिस्टर्स, पिंक और रेडनिंग ऑफ द स्किन, पेन डिस्कम्फर्ट या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको हो रही है तो समझ लो ये कि सिम्टम है सनबर्न के, यानी कि जो सन रेज है वो आपकी स्किन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द ब्लिस्टर फॉल। जो हमारे ब्लिस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ठीक है, ब्लिस्टर्स यानी कि छाले कहाँ पर होते हैं? स्किन पे, बोन पे, मसल्स पे या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे ब्लिस्टर्स कहाँ पर होते हैं? स्किन पर। ठीक है, आगे है, व्हाट विल यू डू टू ट्रीट द बर्न्स ऑफ द स्किन। अगर हमारी स्किन पर कुछ भी बर्न वगैरह हो गया, कुछ जल गई है, तो हमें उस पर क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे उस कंडीशन में?
टू अप्लाई बर्नोल, टू अप्लाई ऑयल, वैसलीन शुड बी अप्लाइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हम ये तीनों ही चीजें कर सकते हैं अगर हमारी स्किन के साथ कुछ भी बर्न वगैरह हुआ है तो, या फिर उस बर्न को ट्रीट करने के लिए जो हमारी स्किन पर हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। हमारी स्किन में कुछ भी बर्न अगर हुआ है तो उसका क्या फर्स्ट एड है? पोरिंग कोल्ड वाटर, रबिंग, अप्लाइंग बर्नोल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हम उस पर ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है, हम उसको थोड़ा सा रब करेंगे, उसमें बर्नोल लगाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर कह सकते हैं, यानी कि डी यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। आगे है, व्हाट विल यू डू टू रिड्यूस द इरिटेशन ऑन द बर्न एरिया। अगर आपके स्किन पर कहीं भी बर्न एरिया है तो उसकी इरिटेशन को कम करने के लिए आप क्या लगाएंगे? क्लोव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर अमृत धारा। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोकोनट ऑयल आप उस कंडीशन में अपनी स्किन के जो भी बर्न एरिया है वहां पर लगाएंगे, राइट। आगे इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन व्हेन अ पर्सन गेट्स बर्न। तो ऐसे पर्सन को क्या फर्स्ट एड दिया जाएगा जो जल गया है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी स्किन में कोई बर्न हो गया, या फिर बहुत ज्यादा बर्निंग हो गई उसके साथ, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के साथ क्या करेंगे? पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, अप्लाई डेटॉल, अप्लाई ऑयल टू द अफेक्टेड एरिया, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, ठीक है, जो भी बर्न एरिया है उस पर हमें ठंडा पानी डालना होगा, ये उसके लिए फर्स्ट एड होगा, हम जो उसको देंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फर्स्ट एड एंड हेल्थ की यूनिट 2 के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।